हेलो, राम राम जी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? और आज कोई व्लॉग नहीं जा रहा है। आज मैं डाल रही हूँ अपना कुर्ती हॉल, और ये कुर्तियाँ लेके आई थी मैं मम्मी के घर से जब मायके गई थी। मैंने बताया था अभी लास्ट संडे को मैं मम्मी के घर गई थी, लास्ट नहीं इससे पहले वाला, और फ्राइडे को आ गई थी। तो वहाँ से लेके आई थी मैं कुर्तियाँ। अभी मैं आपके साथ ना अपनी कुर्तियाँ शेयर करूँगी, और मैं आपकी बार ना सारी स्टिच कुर्तियाँ लेके आई हूँ, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। एक तो मैंने डाल ही रखी है, एक बार इसका डाल रखी है तो पूरा लुक दिखा देती हूँ, ठीक है? और उसके बाद दिखाती हूँ और बाकी सारी कुर्तियाँ। ये कुर्ता और पैंट। हाँ, पैंट का सेट, इसके साथ कोई चुन्नी नहीं है, और प्योर कॉटन में है। घूम के दिखाओ ऐसे। हाँ, अभी जो मैंने कुर्ती दिखाई इसके साथ कोई दुपट्टा नहीं है, तो मैंने ये रेड स्टोल ना कल मेरी ननद लेके आई थी जब भात न उतने के लिए आई थी, एक ये और एक और थी, दो मतलब लेके आई थी, तो मैंने ये वाला डाल लिया। और रेड तो किसी के भी साथ चल जाता है। तो इसके इतने स्लीव हैं, और स्लीव पे ना पैंट का पैटर्न दिया हुआ है, पैंट के कपड़े का मतलब, वो यहाँ पर इतना सा लगा दिया, और ऐसे करके बटन भी लगा हुआ है, और प्योर कॉटन है, इतनी कम्फर्टेबल है ना, बस पहन के मज़ा आ जाए। तो एक तो कुर्ती ये लेके आई थी मैं, कुर्ती और पैंट। और एक ना आप लोगों ने देखा होगा कल मैंने डाल ली, जो आज ब्लॉग, सॉरी, जो अभी 3 तारीख, आज 4 तारीख का मंडे का ब्लॉग है ना, ये ब्लॉग, ये पता नहीं कुर्ती हॉल कब जाएगा, तो 4 तारीख का जो ब्लॉग है उसमें मैंने डाल रखी है, तो वो है आज ही निकाली है मैंने। तो ये कुर्ती है, और इस पर देखो ये थोड़ा थोड़ा ना ये सीक्वेंस का काम है, और जरी का भी, और ना मतलब कॉटन में है पूरा, प्योर कॉटन में, और स्लीव भी इतनी है, 3/4 स्लीव बोलते हैं शायद इनको, है ना, पोनी बाजू, और यहाँ पे गोटा पत्ती। तो अच्छा ना अच्छा लुक आ रहा था, मतलब ऐसा भी कि घर पे भी डाल लो, और कोई मतलब ऐसा चुभता नहीं है, और कोई छोटा मोटा फंक्शन हो तो उसमें भी डालो। जैसे कि कल मेरी ननद आई थी तो सब इकट्ठे हो रखे थे, मैंने डाल लिया था ये वाला, और बाकी सारा ये प्रिंट वाला है। तो ये कुर्ता है इसका, और इसके साथ है, और प्योर कॉटन में है, एकदम कंफर्टेबल वाला। मेरे को ना ये लगता रहता है ज़्यादा लेंथी ना हो जाए व्लॉग, तो मैं जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ, है ना। इसके साथ है ये वाली पैंट, और पैंट भी है कॉटन में, और आगे ना वो बेल्ट वाली पैंट है ये, और ना वो भी नहीं है कि मेरे ना पैंट जो रेडीमेड आती है ना वो थोड़ी टाइट टाइट सी रहती है, लेकिन ये बिल्कुल भी टाइट नहीं है, और मैंने थोड़ा लूज है तो लूज ही पहन ली। और इसके साथ है ये वाला दुपट्टा, दुपट्टा भी है कॉटन में ही। और अगर जिस किसी को भी पूरा लुक देखना है इसमें, वो मेरा 4 तारीख वाला ब्लॉग देख लें। तो एक ये कुर्ता मैं लेके आई थी, और सारी ना सारी जो है सिली सिलाई ही कुर्तियाँ हैं। उसके बाद मैं दिखाती हूँ एक ये वाला, तो ये भी ना इसमें देखो छोटा छोटा प्योर कॉटन ही है। मैं सारी कुर्तियाँ कॉटन की लेके आई हूँ, बस एक है जो खादी मिक्स है थोड़ा, तो इस पर ये वाली पैंट है। मैं खोलूँगी नहीं क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा अगर अलग अलग चीज़ें दिखाऊँगी ना। तो ये वाली पैंट है, और ये कुर्ता है, कुर्ते पे पैंट का आगे नेक पे दिया हुआ है, और बटन लगा रखे ग्रीन कलर। इसका कलर ना सूदिंग सा कलर है, एकदम लाइट, और गर्मियों में लाइट लाइट कलर ना इतने अच्छे लगते हैं, ऐसे भी लाइट कलर पहनने चाहिए गर्मियों में। तो एक ये कुर्ती थी, ओके। उसके बाद है ये वाली, इसके ना नेक पे ये वाला काम है, और डोरी लगी हुई है, और इसके साथ है प्लाजो, ये प्लेन एकदम, इतना भीड़ ही पहनती हूँ मैं, प्लाजो ज़्यादा चौड़ा ना हो, मतलब पैंट से थोड़ा सा चौड़ा है, और रेयन में है ये कॉटन में नहीं है, रेयन में है, और इसकी चुन्नी है सी फोम में, और चुन्नी पे लगा हुआ है जैसे जो सूट का काम है ना वो वाली लेस गोटा पत्ती के साथ दिख रहा होगा। मैं डालूँगी तो पक्का व्लॉग में आएगा, देखना आप लोग, हो सकता है नवमी वाले दिन डालूँ मैं इसको। और ये ना घेरे में है, तो उस जिस दिन डालूँगी ना मैं उसी दिन आप लोगों को दिखाऊँगी पूरा पूरा गोल सूट होके, और यहाँ से ना स्लिट दी हुई है पूरी चाक से,
पूरा खुला है, लेकिन देखने में ऐसा लगेगा कि जैसे अनारकली टाइप सूट, और ना जो साइड में जो आते हैं ना उन पे भी ये घोटा पत्ती का पूरा वर्क दिया हुआ है, और बाजू पे भी सेम। तो एक कुर्ती लेके आई थी मैं, ये पूरा सेट, इसके साथ दुपट्टा भी था। दो के साथ दुपट्टा है, दो के साथ नहीं है। जैसे एक ये वाला है, इसके साथ दुपट्टा नहीं है, एक ग्रीन वाला जो अभी मैंने दिखाया उसके साथ दुपट्टा नहीं है। उसके बाद दिखाती हूँ मैं ये कुर्ती, और ये भी है प्योर कॉटन में। इसका कलर मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत ज़्यादा, और वाइट प्लाजो के साथ ना बड़ा अच्छा लगेगा ये वाला कुर्ता। मेरे पास वाइट प्लाजो भी है, पैंट भी है, ठीक है, और ऑफ वाइट भी है, ऑफ वाइट के साथ भी जाएगा ये। तो एक ये कुर्ता मैं लेके आई थी, और इस पर भी ना घोटा पत्ती का वर्क दिया हुआ है गले में भी, और ऐसे ये देखो बटन दे रखे है, ये भी समोसा लेस घोटा पत्ती वाली ही, ठीक है। तो इसकी भी लेंथ पूरी ही है और गोल गले में है, और पीछे से ना मैं नेक मेरे को छोटे ही पसंद आते हैं ज़्यादातर। आगे देखो, अभी तो चॉइस मेरी यही है, मैं छोटे नेक पहनती हूँ। मेरी भाभी को डीप नेक पसंद है, मेरी बहन को भी, मतलब ज़्यादा डीप नहीं लेकिन मेरी भाभी को पसंद है, मेरी मम्मी को डीप नेक पसंद है लेकिन मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और किसी किसी में पहनती हूँ, हर किसी में नहीं। एक ये मैं सारी अगली बार ना रेडीमेड लेके आई हूँ, लेकिन ना फिर जल्दी से टेलर सिल के नहीं देते। जैसे मेरी वो कुर्तियाँ पड़ी अभी, वो भी नहीं आई है जो अनस्टिच कुर्ती होल डाला था। तो ये भी एकदम मुलायम, ये बिल्कुल मतलब वो कॉटन ब्लेंड वाला कपड़ा है, तो इस पर भी बटन दिए हुए हैं। एक कुर्ती मैं ये लेके आई थी, और भाई ऐसा ही जाएगा जैसे मैं व्लॉग बनाती हूँ, कुर्ती होल भी। स्पेशल मेरा ये चीज़ का काम नहीं है, बस मैं अपनी चीज़ें शेयर करती हूँ, जो चीज़ें मतलब जैसे ब्लॉग जाते हैं ऐसे अपनी जो चीज़ें मैं लेके आती हूँ तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। प्रॉपर ये है नहीं, वरना मैं पहन पहन के भी दिखा देती अगर स्पेशल इन्हीं पे वीडियो होती मेरी बनाने का, लेकिन इतनी मेहनत नहीं हो पाएगी। और ये है, इसमें है थोड़ा खादी मिक्स, ये बिल्कुल अलग सा कपड़ा है। इसमें ना येलो येलो सा भी एक जैसे धूप छाव वाला होता है ना, ऐसे थोड़ा वो कर रहा है। और इसमें है एम्ब्रॉयडरी, और एम्ब्रॉयडरी देखो कितनी प्यारी है ये कुर्ता ना। इसमें एक और कलर था, वो कलर और भी प्यारा था, बट उसमें ना मेरा साइज नहीं था। ये देखो गले पे ना बस इतना वर्क है, और इसके साथ भी आप वाइट प्लाजो और ये वाला ब्लू एंड रेड कोई भी पहन सकते हो। और ये कलर भी मेरे को बड़ा प्यारा लगा, ग्रीन में, थोड़ा लाइट पैरेट ग्रीन है ये। तो एक ये कुर्ती लेके आई हूँ, ये भी कुर्ती है। तो इन तीनों के साथ तो ऐसे वाइट प्लाजो ही जाने वाला है, मेरे को वाइट ऐसे भी बहुत पसंद है, तो इनके साथ मैं मिक्स एंड मैच कर लूँगी जैसे भी होगा। ओके, तो तीन कुर्तियाँ ये हैं, और तीन सेट हो गए थे मेरे, सॉरी चार सेट। ये लेके आई थी मैं, और उसके बाद मैं लेके आई थी, जस्ट अभी मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा और, ऐसे ब्लॉग लेंथ ही हो गया है। तो एक ना मैं ये लोअर लेके आई थी, देखो ये वाला, ये मैंने पहन लिया, आज ही पहन रखा था सुबह में, वो कुर्ता कल निकाला, शाम को निकाला था ना जैसे रात को, तो ये मैंने पहन लिया था नाइट में। ये वाली लोअर है, एकदम इतना मस्त कपड़ा है ना ये लोअर। और टी शर्ट अब की बार मैं लॉन्ग वाली लेके आई हूँ, क्योंकि मैं एक बार लॉन्ग लेके आई थी ब्लैक कलर की, मैं पहनती हूँ वीडियो में भी, तो मेरे को अच्छी लगी किनली की। और किनली की ना कोई किंडले बोलता है, कोई किंडली बोलता है, ये देखो। तो उसकी मैं लेके आई हूँ, ये मैंने लोअर के साथ पहनी हुई थी, इसमें साइड में ये फूल है और स्लिट है साइड में ऐसे। तो बस ये मैंने दिखाने के लिए निकाल दिया, ऐसे मैंने यूज़ कर रखी है, अब धोने के लिए डाल दूँगी। ओके, उसके बाद एक मैं ये लोअर लेके आई थी, ये वाला, ये वाला थोड़ा बड़ा साइज आ गया मेरे को लग रहा है, बट ठीक है गर्मी में चलता है ना। और ये है मोंटे कार्लो का, हाँ मोंटे कार्लो, हाँ मोंटे कार्लो का है ये। इसका कलर मेरे पास ना मोंटे कार्लो का सेम कलर में एक और लोअर है, लेकिन वो सर्दियों वाला है आई थिंक, हाँ सर्दियों वाला है। तो ये लोअर और टी शर्ट मैं निकालूंगी नहीं, एक ये टी शर्ट है लॉन्ग में ही है ये टी शर्ट भी, और एक ये वाली टी शर्ट है, इसका भी कलर मेरे को बड़ा प्यारा लगा। ये शॉर्ट शॉर्ट में है, मतलब छोटी वाली जो नॉर्मल टी शर्ट होती है,
नॉर्मल साइज में जींस टॉप वगैरह का साथ डालते हैं ना वो वाली। तो इस पर आगे ये वाली, ये देखो क्या लिखा हुआ है, थिंक हैप्पी स्टे हैप्पी। तो ये लेके आई थी, तो ये थी बस मेरी शॉपिंग। और नेक्स्ट दिखाऊंगी मैं बच्चों की शॉपिंग, शायद मैं अभी बना दूँ क्योंकि अभी बैठी हुई हूँ और डुडू भी नीचे गया है। तो बताना मेरी कुर्तियाँ कैसी लगी, अब की बार मैं लेके आई हूँ सारी सिली सिलाई कुर्तियाँ, तो एंजॉय करना कुर्तियाँ कैसी लगी और देख के बताना आपको सबसे ज़्यादा अच्छी वाली कौन सी कुर्ती लगी है। मेरे को तो सारी अच्छी लगी तो मैं लेके आ गई। तो ठीक है, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में।